नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। खगड़िया जिला के आईटी भवन परबत्ता में आज दिनांक 14 सितंबर को नगर पंचायत परबत्ता अध्यक्ष पद से सुमन कुमारी ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुनावी ताल ठोक दी। आपको बता दें कि सुमन कुमारी किसी पर्चे के मोहताज नहीं बल्कि समाज सेवी नेता सुबोध शाह के पुत्र वधू है। नामांकन दाखिल करने से पूर्व सुमन कुमारी ने मुजाहिदा में बजरंग बली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवार सुमन कुमारी के नामांकन में भारी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। आइए सुनते हैं सुमन कुमारी एवं सुबोध शाह से नामांकन के पश्चात क्या कुछ बोले। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। किस पद से आप चुनाव लड़ रही हैं? किस मतलब नगर पंचायत से? परबत्ता। चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका? विकास। तो अभी जो आप पहले पंचायत थी परबत्ता और इस बार ये नगर पंचायत परबत्ता बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा जी। मतलब आपके जो समर्थक हैं, जो भरोसा आपके साथ किया है, क्या मतलब उस भरोसे पर कितना आप खरा उतरे? 100% महिला के उत्थान के लिए क्या बोलना चाहेंगी आप, खास करके महिलाओं के लिए? महिला विकास के लिए सब कुछ करेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहेंगे आप, अभी जो पंचायत से जो नगर पंचायत बनी है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? यह नगर पंचायत, नया नगर पंचायत का गठन हुआ है जी, और यहाँ की जनता जो है जी, बहुत समझदार जनता है जी, और पढ़े लिखे। आपको जनता से क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है? मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ का जनता पढ़ा लिखा जनता है जी, और ये अति पिछड़ा सीट है जी, अति पिछड़ा का जो उम्मीदवार पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा उसी को यहाँ का जनता जो है मत देगा। और हमारा कैंडिडेट जो है पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन किया हुआ है, सब तरह से सामर्थ्यवान है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ की जनता से सब इनको वोट करके अपना नेता बनावे, ताकि यहाँ का समुद्र। बताइएगा सुमन जी के जीतने के बाद परबत्ता में सबसे पहले कौन सी विकास? सबसे पहले यहाँ का जो विधि व्यवस्था है जी, यहाँ सड़क गली आवास पानी शौचालय सबका व्यवस्था के ऊपर सबसे पहले ध्यान जाएगा, उसके बाद जो भी सरकार का निर्देश होगा, निर्देश मुताबिक सारा काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।